नमस्कार, मैं काजल निषाद। कैसे हो दोस्तों आप लोग? बिल्कुल अपना ख्याल रखिएगा। कोरोना का आंकड़ा जो है वो 10 लाख के पार हो गया है और अगले महीने 20 लाख हो जाएगा। क्या है कि ये जो सरकार है ना, वो सिर्फ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि चीन से सेना लड़ेगी, पाकिस्तान से मीडिया लड़ेगा, कोरोना से जनता लड़ेगी। तो ये जो रंगा बिल्ला है वो क्या करेंगे? सिर्फ चुनाव लड़ेंगे? हाँ बेटा, प्रचार करेंगे एलईडी से। हाँ देखिए, बिहार कार्यालय, बीजेपी कार्यालय में जो है 75 एक साथ बीजेपी नेताओं को कोरोना हो गया है। तो अब चुनाव में ना संभाल के रहिएगा बिहार की जनता भाई। ठीक बा हो कहो राहुल, सब एकदम संभाल के सतर्क। क्या है कि सबको कोरोना पकड़ा है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ जो है मीटिंग करके आए होंगे। चुनाव में जैसे ही वोट मांगने आएंगे डोर टू डोर, जूता भिगा के एकदम से जो है मोजा निकाल के जूता से बिल्कुल फेंक के, हाँ फेंक के निशाना बिल्कुल लगे, मारिएगा इनको। बिल्कुल छूने की जरूरत नहीं है इनको, चाय पानी पिलाने की। कोरोना हो गया है, सतर्क रहिएगा। ठीक और बाकी जो है लोग बहुत ज्यादा मतलब टेंशन ले रहे हैं। काजल जी, रिपोर्ट आपने की थी पुलिस में, क्या हुआ? अरे बेटा, एक दिन में तुम दुनिया में आए थे क्या? हाँ 9 महीना तो तुमको भी लगा था है, पूछना अपनी अम्मा को। बेटा 9 महीने बाद बाहर आए थे तुम दुनिया में, एक के दिन में तुम्हारा इलाज हो जाएगा। अरे तुम्हारा इलाज बहुत अच्छे से होगा। ठीक है कि तुम्हारा जो है रिपोर्ट कार्ड आ गया है, हाँ सरकार का। अब बताइए जो है रिजल्ट आ गया अच्छे से, जो परीक्षा दिए थे है मोदी जी। हाँ तो जो है बेटा, मेक इन इंडिया फेल, काला धन फेल, 15 लाख फेल, 2 करोड़ रोजगार फेल, बुलेट ट्रेन फेल, स्मार्ट सिटी फेल, नोटबंदी फेल, महंगाई में कमी बिल्कुल फेल, सस्ता तेल फेल, भ्रष्टाचार मुक्त भारत फेल, कानून व्यवस्था फेल, नारी सुरक्षा। अरे नारी सुरक्षा करोगे है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वालों, नारी सुरक्षा में फेल हो गए, गंगा सफाई में फेल हो गए, स्वच्छ भारत में फेल हो गए, और एक के बदले 10 सर लाएंगे। अरे चीन का नाम नहीं ले रहे चचा, एक के बदले 10 सर लाएंगे, अरे फेल हो गए आप। हाँ और ये जो है क्या है, ये फसल का 1.5 गुना दाम, उसमें भी फेल। हाँ सब कुछ में फेल हो जा रहे आप और हमसे सवाल करेंगे। हाँ अरे जो हमको गाली दिया है ना, उसको छोड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छे से वाट लगाएंगे। ठीक, क्योंकि कहे कि बेटा गाली तो तुम बहुत महिलाओं को दिए होंगे, लेकिन काजल निषाद से तुम्हारा पंगा पड़ा है। बहुत हल्के में तुमने ले लिया। हाँ अच्छे वीडियो पे भी तुमने बहुत गंदी गाली दी है, तो तुमको छोड़ेंगे? हाँ अरे तुम्हारा जो है वही टेटवा दबा देंगे किसी दिन। और बिहार की जनता को हम कह दे रहे हैं, आप लोग बिल्कुल सतर्क रहिएगा। क्यों? क्योंकि मंगल 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 हो, समझे? हम समझा रहे हैं। मंगल पांडे जी, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके वहां अस्पताल का क्या हाल है? बद से बद हाल एकदम अस्पताल बन गई है आपकी, और आप संज्ञान नहीं ले रहे हो, शुद्ध नहीं ले रहे हो जनता की। हाँ और मैंने सुना है मंगल पांडे जी के ऑफिस में भी 6 लोगों को कोरोना पकड़ा है। तो बीजेपी के ये भाजपाओं के सारे नेताओं को सबसे ज्यादा बिहार में कोरोना पकड़ा है, तो हमको बता दीजिए। आपकी कसम किसी को नहीं बताएंगे। आप लोग सब गए थे क्या नमस्ते ट्रम्प करने? या थाली ताली बहुत तेज बजा दी आप लोगों ने कि एकदम से जो इतने लोगों को कोरोना पकड़ा है? देखिए मजाक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल आप लोग भी सरकार से पूछें। आप लोग भी जो है वो प्रधानमंत्री जी से ये सवाल करें कि अब हमें मदद और हमें सारी जो है सुविधाएं दीजिए। बिहार की जनता हो या पूरे भारत की जनता हो, बदहाल अस्पताल पड़ी हुई है, कहीं पानी भर रहा है। और एक बेचारा एक लड़का वीडियो बनाया था,
वो कह रहा था कि मेरे पापा यहाँ भर्ती है और 2 दिन से 2 लाशें वहां पड़ी हुई थी और कोई सुध लेने नहीं आया। तो ये हाल है देश का। कोरोना तो आपने लाया, देशवासियों को भारी पड़ रहा है, तो अब आप क्या कर रहे हो? वेंटिलेटर ही दे देते ना तभी भी ठीक होता। ये जो आप एलईडी से प्रचार करके एलईडी इधर उधर लगा रहे हो, वेंटिलेटर ही दे देते ना अस्पताल में तभी भी ठीक होता। तो मंगल पांडे जी, मैं आपको हाथ जोड़ के कहती हूं, आप सुध लीजिए बिहार की जनता का। और हाँ, मंगल पांडे जी को उनकी जयंती पर भी सादर प्रणाम। ये वो मंगल पांडे है जो हमारे क्रांति वीर थे, जो वो उनको जो हमारे आमिर खान जी ने जिन पर पिक्चर बनाई थी, 1857 के जो वीर योद्धा थे, मैं उनको प्रणाम कर रही हूं। और मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री जी है, अगर आप चाहते हैं कि जनता आपको अच्छे से प्रणाम नमस्कार आपका आदर इज्जत करे, तो आप जाइए और बिहार की जो जनता है उनकी रक्षा कीजिए। स्वास्थ्य मंत्री है आप, स्वास्थ्य की जितनी भी चीजें हैं आपके अंडर में आती है, तो आप जाके संज्ञान लीजिए अस्पतालों का। बदहाल है अस्पताल सारी की सारी, देखिए किस तरह से बेड रखे हुए हैं, डॉक्टर्स नहीं है, हमने देखा है न्यूज में, तभी बोल रहे हैं। तो जाइए सुध लीजिए। और ये संकट में जो रामदेव बाबा कोरोनिल लाए थे, वो कोरोनिल बाबा रामदेव सबको जाइए बांटिए, बहुत ज्यादा कोरोना फैल गया है, पता है ना, 10 लाख प्लस हो गया आंकड़ा। तो कोरोनिल जो लाए थे, अब बाबा बाबा कहां भाग लिए बाबा? नहीं याद तो होगा ही आपको, काला धन वापस लाने वाले थे ना आप, प्रधानमंत्री जी से जो इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे आप कई सालों से, नहीं मोदी जी खुद ही कह रहे थे ना। और इसलिए भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना अगर गुनाह है तो वो गुनाह मैं कर रहा हूं। भाइयों और बहनों, विदेशी धन को लाना ये कहना अगर सरकार को गुनाह है तो ये गुनाह मैं कर रहा हूं। बाबा रामदेव सिर्फ इतनी छोटी सी ही तो मांग कर रहा है सरकार से, ये कह रहा है कि काला धन वापस लाइए, जनता को जवाब दीजिए। और ये केंद्र सरकार क्या कारण है, जवाब नहीं दे रही है, कोई उपाय नहीं है। प्रधानमंत्री जी आप कह रहे थे ना, तो ये जनता सेम वही बात और भी सारे देश के सवाल जो है ना वो इसी भाषा में आपसे पूछेंगे और आप इसका जवाब दीजिएगा। छुप मत जाइएगा, सामने आइए, जनता की रक्षा कीजिए, ठीक। और जो लोग सोच रहे हैं कि काजल निषाद जी क्यों आवाज उठा रही हो, तो आवाज तो ऐसे ही उठेगी, वीडियो रोज बनेंगे, रोज मैं रोज देख रही हूं, कोई ना कोई संकट रोज आ रहा है। मैंने पहले ही कहा था ना कि कौन है पनौती, याद तो होगा ही आपको, नहीं भूलने नहीं देंगे। नमस्ते ट्रंप जो आपने किया था और आप ये जो सारा संकट भारत में लाए थे, वो हम भूलने नहीं देंगे किसी को भी। तो ये जनता भी आपको सवाल पूछेगी, ये जनता भी आपको भूलने नहीं देगी कि आप लाए थे ना, तो अब आप उपाय कीजिए। जो जहां जिस पद पर है वो वहां जनता की रक्षा करे, क्योंकि सत्ता पर आप लोग हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि ज्यादा गंदगी मत फैलाओ, किसी महिला को किसी पुरुष को आप गाली देकर, आप सोच रहे हो कई सालों से आप गाली दे रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि गंदगी फैला देंगे तो कोई हमारा कुछ करने वाला नहीं है। मेरे सामने आओगे एक दिन मेरे सामने आओगे और उस दिन वीडियो बनेगा, पूरा देश देखेगा। क्योंकि तुम लोग समझ रहे हो कि महिलाएं जो है बहुत सीधी होती है, कुछ करती नहीं है, शालीनता वाली होती है, घर में पड़ी रहती है, कुछ करेंगी नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। किसी के स्वाभिमान को अगर ठेस पहुंच गया ना, उस दिन महिला देवी का भी रूप ले लेगी, ठीक।
ये महिलाएं वही हैं जिसको आप लोग तिजोरी में लक्ष्मी के रूप में पूजते हो, विद्या की देवी समझ के सरस्वती को पूजते हो। तुम्हारे घर पे भी तो लक्ष्मी सरस्वती है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, तो वही एक महिलाएं हैं, बाकी नहीं है बेटा। बाकी भी जो महिलाएं हैं जिनको गलती से तुम पंगा ले लोगे, छेड़ दोगे ना, तो वो दुर्गा का रूप बन के तुमको नष्ट करेंगे।